गाइस, आज की सुबह हो चुकी है और आज है मंगलवार 5th जनवरी 2021। और आज रात को भैया जा रहे हैं वापस नोएडा के लिए। सो आज ही लास्ट डे है, सो वो आज रेस्ट करेंगे और आज उन्होंने व्लॉग का जिम्मेदारी मेरे हाथ में दे दिया है, सो आज मैं ही करूँगा। और आज मैं सोचा कुछ नया करते हैं, सो मैंने सोचा आपको हमारा जो सिटी है कुछ भी यार वो आपको घुमा लूँ। सो चलिए कुछ भी यार घूम के आते और देखिए यहाँ की सुबह कैसी होती है, करेक्टी धूप से और रात होते ठंडा। गाइस अभी हम रेडी होके निकल चुके हैं, देख सकते हैं मैंने वही हुडी पहना है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और इसीलिए मैंने हुडी पहन लिया। और हम जाएंगे पहले राजबाड़ी और हम जाएंगे इस साइकिल से, ये मेरा फर्स्ट साइकिल गाइस, इससे जाएंगे। इसकी ब्रेक थोड़ी हल्की है लेकिन बहुत मस्त भागती है। सो हम इससे जा रहे हैं और हम सबसे पहले जाएंगे उसे राजबाड़ी, फिर आपको राजबाड़ी दिखाएंगे और उसके बाद देखते हैं और कहाँ जाएंगे। सी यू इन राजबाड़ी। यह है कुचबिहार का मार्केट सिटी, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, मैक्स केएफसी सब है यहाँ पे। और देखिए गाइस ये है हमारा मॉल सिटी, जहाँ पे हर एक जगह मॉल ही मॉल है। और ये है इस रास्ते से सीधा जाएंगे तो हमें मिलेगा राजबाड़ी। गाइस ये है कुचबिहार का एनएन पार्क और हम हो चुके हैं कुचबिहार के सबसे भयंकर वाले क्राउड वाले जगह में, जो मार्केट के बीच में है। देखिए क्राउड देखिए गाइस, यहाँ से निकलने में आधा घंटा लग जाएगा, भयंकर क्राउड है। और ये मेन बाज़ार है कुचबिहार सभा। और गाइस हम आ चुके हैं राजबाड़ी, सामने देख सकते हैं ये राजबाड़ी, राजबाड़ी में घुसेंगे फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे राजबाड़ी। गाइस हमने अपना साइकिल पार्क कर दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं हम तीनों का साइकिल दोस्त का हटना। हम जाएंगे अभी राजबाड़ी में, तो चलिए चलते हैं आपसे मिल राजबाड़ी के अंदर। गाइस अभी हम यहाँ राजबाड़ी के एनएन पार्क के उधर अटके हुए हैं क्योंकि राजबाड़ी में जो ऑनलाइन पेमेंट होता है और हम में से कोई एक्चुअली गूगल पे पेटीएम यूज़ नहीं करता है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैंने भैया को अभी यहाँ से क्यूआर कोड भेज दिया है, तो फाइनली हमारा टिकट हो चुका है। एक्चुअली बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भैया ने हम तीनों का, मतलब मैं और मेरा जो दोस्त आए उनका टिकट हो चुका है। और अभी हम घुस चुके हैं राजबाड़ी के अंदर, ये राजबाड़ी का गेट है और ये सामने राजबाड़ी। अभी हम जाएंगे, आपको अच्छे से दिखेगा गाइस। लोग के राजा का ये मानना था कि लिव लाइक किंग साइज, हाँ वो तो दिख रहा है हमको। चलिए यार आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे राजबाड़ी। वैसे आज बहुत खाली खाली सा है ना, मतलब हाँ। ये ऑनलाइन पेमेंट के वजह से अभी कोई मैक्सिमम आदमी लोग अंदर आ ही नहीं पा रहे बाहर से, क्योंकि कुछ भी यार में ज़्यादातर कोई गूगल पे ऑनलाइन ये सब पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं और ये लोग यहाँ पे लगा लिए कोरोना की वजह से, ये भी सही है। चलो सब सही है, अब हम थोड़ा दिखाते हैं आपको राजबाड़ी, इसके बाद कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे हम लोग। ड्रोन शॉट्स, अभी हमारे एक दोस्त है थोड़ा छोटा साइज का है, उसके हाथ में कैमरा देख के उसको आसमान में उछा फेंकेंगे, आपको ड्रोन शॉट्स दिखेंगे। ये है कुचबिहार का राजबाड़ी और साइड में कुछ राजबाड़ी का पार्क भी है, उसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि जाने के लिए पार्टनर भी चाहिए होता है, वो नहीं है। और इसके लेफ्ट में है राजबाड़ी स्टेडियम, जहाँ हम कभी कभी फुटबॉल खेलने आते हैं। और यहाँ पे 26 जनवरी को परेड भी होता है जिसमें हमारे कुचबिहार के सारे स्कूल आते हैं और उसमें हम चैम्पियन भी रह चुके हैं गाइस।
देख सकते हैं मेरे पीछे राजबरी, मैं एकदम पास आ चुका हूँ राजबरी का। एक्चुअली अभी लॉकडाउन की वजह से अंदर एंट्री नहीं है राजबरी के अंदर, तो हम बाहर से देख सकेंगे। और चारों ओर देख रहे हैं अब जंगल ही जंगल है। एक्चुअली बहुत दिन से लोग शायद कटाई वटाई भी नहीं किए, लॉकडाउन की वजह से बंद है सब, जंगल ही जंगल। नहीं तो पहले सब कुछ एकदम कटा हुआ रहता था छोटा छोटा। देखिए देखिए ना जंगल है। चलिए चलते हैं और थोड़ा क्लोज इन करते हैं। टाटा टाटा टाटा। और यहाँ तो पहले हम बहुत रेगुलर ही आते थे, अब लॉकडाउन में सब बंद हो गया। हाँ, और यहाँ पे सामने बहुत हीरो भी है, देखिए फोटो शूट कर अपना। अनप्रोफेशनल हीरोज यहाँ पे टिया पक्षी भी मिलता है। हाँ, यहाँ पे पैरेट्स भी बहुत है, आपको उनका आवाज आ रहा होगा पूरा ही ऊपर। ज़ूम कर ले। हाँ, ज़ूम कर। कहाँ गया? उधर ही बैठा है, अंदर घुस गया। वो अंदर घुस गया गाइस, इसलिए नहीं दिखा। दिखेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। पैरेट्स यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। अरे ये देख, उधर बैठा है उधर। हाँ हाँ, अभी दिखाएंगे इनको, आपको क्लोज इन से दिखाते हैं। ओ हाँ गाइस, एंट्री है, लेकिन एक इशू है कि हम कैमरा लेके नहीं जा सकते अंदर, वो पैरेट, सो अंदर नहीं देख सकते। पूरा पैरेट दिख गया गाइस, देखिए पूरा पैरेट, पूरा गाइस पैरेट। ये सब जो है इसके अंदर अंदर घर करते हो। देखिए कितना सारा पैरेट्स गाइस, हम अभी इसके पीछे से आपको दिखाएंगे। एक्चुअली ये वो बड़ा है, अंदर कैमरा से एंट्री नहीं है, इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते। ये तो आपको अंदर भी दिखा देता सब कुछ। मोबाइल भी स्विच ऑफ करना पड़ता है अंदर। हाँ, फोन भी स्विच ऑफ करना पड़ता है, ऐसा ऐसा। ये ऊपर जाकर बैठ कर बात कर रहा है। और यहाँ पे हम ऊपर भी जा सकते हैं ऐसा दिख रहा है। देखिए देखिए, एक्चुअली बहुत बहुत ही अच्छा जगह है, सुकून का जगह है, आके शांति से बैठ के चील मार सकते हैं। 5 बजे तक रहता है, जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये रहा पार्क, यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा आपको पार्क, आपको और अच्छे से दिखाते पार्क। इधर एक सेकंड रुक, पार्क दिखा देते हैं बंदों को, जो जो मिंगल विंगल है यहाँ पे आएंगे तो घूमने आएंगे ना पार्क में। ये है पार्क, दोनों के बीच में बाउंड्री, क्योंकि दोनों का अलग एंट्रेंस है, अलग पेमेंट करना पड़ेगा आपको पार्क में जाने के लिए। यहाँ पे ज्यादातर कपल्स दिखाई देते हैं। हाँ वही तो, इसीलिए तो हम नहीं जाते इसमें। अच्छा से वो नहीं ले रहा है। हाँ फोकस, अब हो गया। ये पार्क है गाइस, बहुत ही अच्छा जगह है। सब हम चलेंगे राजबरी के पीछे। चलिए, और यह पर ड्रिंकिंग वाटर, हमारे दोस्त कुछ पानी पी रहे हैं, बहुत थ्रस्टी है, बहुत स्ट्रगल करते ना ये लोग। राजबरी का साइड व्यू। ना मेरे को नहीं पीना गाइस, हम नहीं पीते, हम यहाँ वहाँ का पानी नहीं पीते। ये साइड, ये साइड व्यू है, साइड बैक साइड थोड़ी है, बैक साइड तो उधर है। ये राजबरी का साइड व्यू है, दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है गाइस। पता नहीं यार राजा लोग यार इतना बड़े बड़े बिल्डिंग्स क्यों बनाते थे, हमको वही समझ में नहीं। चलो आप अभी इसको पीछे दिखाते हैं आपको। और हम आ चुके हैं राजबरी के पीछे। राजबरी के पीछे वैसे उतना कुछ खास है नहीं, यहाँ पे उतना कोई आता नहीं है, फिर भी हम आते हैं कभी कभी। ये राजबरी के पीछे, ये एक छोटा सा ग्राउंड है, सामने कुछ घर वर बना हुआ छोटा मोटा। और ये राजबरी के पीछे, पीछे का पार्ट, और एक पैरेट दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे बहुत सारा पैरेट है गाइस। चलिए हम थोड़ा सामने चलते हैं, अच्छे से दिखाएंगे यार, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और ये पीछे जो, और राजबर के ठीक पीछे बाईपास रोड, बाईपास रोड है कुछ बिहार का, ये कुछ बिहार का बाईपास रोड है। चलिए अब चलते हैं आगे। ये सामने कुछ घर, मतलब कुछ स्टोर रूम,
देवी वाली तो इस तरफ। और हम आ चुके हैं राजबाड़ी के थोड़ा सा अंदर, इधर एक रास्ता था, ये देखिए इधर से और अच्छे से देखिए, ये एकदम पीछे का व्यू है राजबाड़ी का, पीछे का पोर्शन। ऊपर का मुकुट देखिए, मुकुट क्राउन, क्राउन ऑफ कुछ टेंपल, टेंपल जैसा लगता है, क्राउन ऑफ कुछ भी है। वो छोटा सीढ़ी नहीं देखे तो उठ जाता होगा। बहुत मस्त जगह है गाइस, कुछ भी यार आएंगे तो ये जगह ज़रूर विजिट कीजिए गाइस, बहुत मस्त है। यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ पे वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, नहीं तो ऊपर चले जाते गाइस। और हम आए हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगर उस तरफ से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही, और अगर इस तरफ से तो लेफ्ट राइट में आ गए। और यहाँ पे स्टेडियम है राइट में, अंदर जाएगा क्या भाई? सब कुछ देखा हुआ है ना अपना, क्या ही फ़ायदा, कैमरा भी नहीं ले जा पाए। और यहाँ पे राजबाड़ी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना है गाइस, इंग्लिश बांग्ला दोनों से लिखा हुआ अच्छे से। पढ़ लीजिएगा गाइस स्टॉप करके। और इधर हमारे भाई साहब बैठ गए, थक गए हैं। और इधर सामने एक पॉन्ड है, राजबाड़ी का पॉन्ड, दो पॉन्ड एक्चुअली, यहाँ पे एक है सामने और एक है, ये वाला उतना खास नहीं है, सामने वाला मस्त है, वो वाला साइड का डिज़ाइन क्या हुआ। हाँ, और उसमें मछली भी है बहुत। एक पॉन्ड है गाइस, और वो रहा स्टेडियम, आपको दिख रहा होगा, वो गैलरी है और वो स्टेडियम है। और सामने वाले पॉन्ड पे चलते हैं, और ये रहा यहाँ से राजबाड़ी का व्यू। मस्त लग रहा है भाई यहाँ से। चलिए सामने वाला पॉइंट पे चलते हैं गाइस। और देख रहे हैं आप इधर ग्रास कटिंग नहीं किया, इसीलिए इधर जंगल ही जंगल। लॉकडाउन में कुछ किया नहीं ना ये लोग ने, बट अभी कर रहे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। वो रहा सामने, देख रहे हैं आप, ये रहा तीन चार आदमी बैठ के ग्रास काट रहे हैं, मतलब एक महीने के बाद ये पहले ऐसा हो जाएगा, एकदम मस्त साफ सुथरा चकाचक एकदम। और अभी हम लोग जाएंगे सामने वाले पॉन्ड पे। अभी कितना बज रहा है? 12:15। और 12:15 हो चुका है गाइस, हम यहाँ से 12:30 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा और भी दिखाएंगे बाहर कुछ भी यार, मतलब थोड़ा एक्सप्लोर तब कराना ही है, तो दिखा देंगे अच्छे से सब कुछ, हम लोग कहाँ जाते हैं, बैठते हैं, अड्डा मारते हैं दोस्त लोग मिलके, चिल मारते हैं। अभी कौन सा सर ने बोला क्लास रीजॉइन करने, पता नहीं, ये सब फालतू मत बक। अभी भद्रा का नाम आया। सो गाइस, अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद सामने, तब तक हम एक दो फोटो भी खींच लेते हैं हमारे दोस्तों का, क्योंकि कुछ बिहार में आए हैं, थोड़ा फोटो वोटो नहीं खींचे तो कैसा अजीब लगता है, मैंने सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूँ। सो यही था गाइस राजबाड़ी, आप अगर इधर आए तो कुछ बिहार में अगर आप आए तो ज़रूर इस पर आइए, बहुत ही अच्छा जगह है, एकदम साफ पोल्यूटेड फ्री, एकदम कोई पोल्यूशन नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे पैरट्स बहुत है, आपने शायद देखा होगा, इसमें यहाँ पे बहुत पैरट्स है हर जगह, और बस यही है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और अभी यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, वहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है, QR कोड और स्कैन वो करके आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है कोरोना की वजह से। इसके वजह से बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर, जब हम लोग एंट्री मारे थे वहाँ पे भीड़ जमा हुआ था, हमने सोचा क्या हो गया कोई प्रॉब्लम, फिर सोच देखा कि ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ रहा है। सो यही था। और मास्क ज़रूर पहनिए, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, अगर आप टिकट काट भी लिए। सो मास्क ज़रूर पहनिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं राजबाड़ी से बाहर, और हम आ चुके हैं यहाँ गेट के पास, अभी हम यहाँ से निकलेंगे फिर सागर डिगी जाएंगे, आपको थोड़ा सागर डिगी दिखाएंगे एक बार। सागर डिगी सबसे मस्त चिल जगह है, वहाँ पे बैठ के हम अड्डा मारते, चिल मारते। ये रहा सागर, ये गेट निकलना कहाँ से,
अभी हम यहाँ से निकलेंगे गाइस। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं आपसे बाहर। देखिए कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। देखिए देखिए गाइस यहाँ पे भीड़, देखिए बस ऑनलाइन।